तेज प्रताप और शील कुमार के नामांकन में उमड़ी भीड़, सबों को जनता का भरोसा। समस्तीपुर का हसनपुर विधानसभा सीट तेज प्रताप यादव के लिए कितना भरोसे का है यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जीत से पहले अभी नामांकन दाखिल करने का दौर के तहत अपने कई समर्थकों के साथ बतौर राजद उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस अवसर पर तेजस्वी यादव और पूर्व मंत्री आलोक मेहता भी उपस्थित थे। हसनपुर की जनता पर विश्वास है, भरोसा है कि भारी मतों से इनको जीत मिलेगी, हसनपुर की महान जनता इनको विजयी बनाने का काम करेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सभी हसनपुर मतदाताओं से, समस्तीपुर जिला, खगड़िया और बिहार के सभी हमारी महान जनता से इतना हम कहेंगे, आप लोगों का आशीर्वाद मिले, हमारा जो महागठबंधन है उसको निश्चित रूप से बहुमत मिल रहा है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जिले की उजियारपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी शील कुमार राय ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय थे। नित्यानंद राय ने कहा कि 2020 से 220 यही एनडीए का नारा है और हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास जन जन तक पहुँचा है, गाँव का विकास हो रहा है, किसानों की कठिनाइयों को समाप्त किया जा रहा है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए, मजदूरों के लिए, जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है उस ओर लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से ख्याल रखते हुए उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको विकास पहुंचाया जा रहा है। विदित हो कि समस्तीपुर जिले के सभी 10 विधानसभा सीट पर नित्यानंद राय ने एनडीए उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसडीएफ न्यूज, समस्तीपुर।